हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर वर्क एंड स्टडी रेगुलरली। नाउ कम ऑन द टॉपिक। जैसा कि आप जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया अवर मदरलैंड, ठीक है, इसके हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस है आपने देख लिए होंगे, उसमें हमने पूरा चैप्टर भी रीड आउट कर लिया था, ठीक है, कि इंडिया की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है, जो फिज़िकल फीचर्स क्या है उसके बारे में हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था। इसके कुछ एक्सरसाइजेज़ है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, एक्सरसाइज ए और बी। अब इसकी कुछ रिमेनिंग जो एक्सरसाइजेज़ है वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। यस, अवर फर्स्ट ब्लैंक इज इंडिया हैज़ डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरेटरीज, कि हमारी जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसमें कितने स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज़ है। तो हमारी इंडिया, जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर तक जो हम लोग पढ़ते थे कि हमारी जो कंट्री है उसमें 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ है, बट दिस इज़ चेंज्ड। ये अब चेंज हो गया है लास्ट ईयर रिसेंटली, जो अभी चेंजेस हुए हैं उसमें क्या हो गया है कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो 29 से कितनी हो गई है, 28, एंड यूनियन टेरिटरीज़ 9। ओके, देन इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 है और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। आवर नेक्स्ट ब्लैंक इज इंडिया इज़ अ डैश मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में कितने नंबर पे है, पूरे वर्ल्ड में है। तो जैसा कि पूरे वर्ल्ड में आपको पता होगा कि जो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, चाइना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, चाइना है। देन नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कौन है, हमारी इंडिया। तो इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, 7th नंबर पे आता है। और यदि हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आता है, सेकंड पे। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन सी है, यू ऑल नो दैट वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन सी है, कोलकाता। ओके, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। नाउ फोर्थ नंबर, यश इज द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री की कैपिटल कौन सी है, सबको पता है कौन सी है बच्चों, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है, मुंबई, विच इज मुंबई, ठीक है। कैपिटल्स का मैंने ऑलरेडी आपको जो पिक है ऑलरेडी इसका पीडीएफ जो सेंड किया था उसमें कैपिटल्स भी मेंशन की हुई थी, तो आपने आई होप लिख ली होगी आपकी नोटबुक में, नोट डाउन कर ली होगी और लर्न भी कर ली होंगी। और यदि किसी ने नहीं की है तो आप इनको लर्न कर लीजिए ऑल कैपिटल्स को। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डी, गिव वन वर्ड आंसर ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, कि वन वर्ड में, एक वर्ड में जो ये आपके जो सेंटेंसेस हैं नीचे जो दिए गए हैं, फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं इनके वन वर्ड में आपको आंसर्स राइट करने हैं। आवर फर्स्ट इज, आई एम द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, कि एक ऐसा ओशन, ऐसा ओशन जो है जिसका नाम एक कंट्री के नेम पे है, ऐसा कौन सा ओशन है, ठीक है। तो ऐसा एक ही ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के ऊपर है, वो कौन कंट्री कौन सी है, हमारी इंडिया। तो कौन सा ओशन हुआ, इंडियन ओशियन, है ना, हमारे इंडिया के जो साउथ में है। ओके, द इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इज अवर इंडिया। आई एम द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। देखो, दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके एक कॉमन कैपिटल है, कौन सी स्टेट्स हैं, हरियाणा एंड पंजाब। तो इनकी कॉमन कैपिटल जो कौन सी है, चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। आई एम द फिजिकल फीचर दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऐसा कौन सा जो कि इंडिया के नॉर्थ में है। हमने लास्ट जो प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हमारे फिजिकल फीचर्स के बारे में इंडिया के। तो इसमें फर्स्ट नंबर का नॉर्थ में एक फिजिकल फीचर मैंने आपको बताया था, जैसे इस तरह से, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एक आइडिया से।
इसमें नॉर्थ में मैंने आपको बताया था नॉर्थन माउंटेन्स जो कहाँ से हैं, स्प्रेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश तक है, कहाँ से, जम्मू और कश्मीर से लेकर, ठीक है। तो कौन सी माउंटेन्स हो गई है, नॉर्थन हिमालय माउंटेन, जिनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इससे बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका वो यही होगा नॉर्थन, सारे फिजिकल फीचर्स का आपका एक एक चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नॉर्थन माउंटेन से, ठीक है। तो हमारा तो ये नॉर्थ में कौन सा फिजिकल फीचर है, नॉर्थन माउंटेन्स, ओके। देन वी हैव टू राइट दिस नॉर्थन माउंटेन्स। Then our last is I am the neighbor of India in the sea, समुद्र में, ठीक है। सी में इंडिया का सबसे जो क्लोज जो नेबर है, पड़ोसी देश है, वो कौन सा है। देखो सबसे क्लोज, यदि हम इंडिया के ये साउथ पार्ट में आ जाते हैं नीचे, तो सबसे क्लोज आता है यहाँ, कौन सा है ये, श्री लंका, विच इज श्रीलंका इज द नेबर ऑफ कंट्री विच लाइज इन द सी। तो कौन सा हो गया, श्री लंका, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज सी है, एक्सरसाइज डी है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज डी, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, वो मैं आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूँगी, देन आपको वो नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं। आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है, और ये दोनों एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आल्सो यू हैव टू डन इन योर नोट। फ्रेंड्स, नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चन आंसर्स, देन एक्सरसाइज ई। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम थ्री सीज दैट सराउंडेड इंडियन पेनिनसुला फ्रॉम थ्री साइड्स, कि ऐसे कौन से तीन सीज हैं जिन्होंने इंडियन पेनिनसुला को तीन साइड से कवर किया हुआ है, कौन से थ्री सीज है। देखो एक बार थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं बता देती हूँ, ये हमारा इंडिया का साउथ का एरिया है, ठीक है, इंडियन, जिसे हम पेनिनसुला भी कहते हैं, ओके। अब पेनिनसुला क्यों कहते हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो लास्ट जो वीडियोस थे उसमें बताया था, अच्छे से वर्ड मीनिंग्स भी आपको बता दिए थे मैंने, कि पेनिनसुला ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, कि ज़मीन का ऐसा टुकड़ा, लैंड का ऐसा पीस जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। तो अब इंडिया का ये वाला जो साउथर्न पार्ट है, ये थ्री साइड से पानी से कवर है, ठीक है। थ्री साइड कौन सी होगी, देखो एक तो ये वाली साइड है वेस्ट, ये ईस्ट का, और ये साउथ का। तो यहाँ कौन सा है सी, अरेबियन सी है हमारा, एंड हियर इज बे ऑफ बंगाल, एंड हियर इज इंडियन ओशियन, ओके स्टूडेंट। तो ये थ्री साइड्स हैं और थ्री सीज हैं हमारे, जिससे हमारे इंडिया का साउथर्न पार्ट जो कवर अप है, जिसे हम पेनिनसुला कहते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे नोट डाउन करेंगे, थ्री सीज कौन कौन से हुए, अरेबियन सी इन द वेस्ट हो गया, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट हो गया, एंड इंडियन ओशन इन द साउथ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और यही जब पीस, जो लैंड का जो पीस है, चारों तरफ से जो वाटर से कवर होता है, इसके मतलब चारों तरफ पानी है, बीच में ये ज़मीन का टुकड़ा है, तब इसे हम क्या कहते हैं, एंड आइलैंड कहते हैं, आइलैंड। आइलैंड जो होता है, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड दिस इज पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, ओके। इसे हम आइलैंड कहेंगे और इसको हम पेनिनसुला कहेंगे। तो आवर आंसर इज, देयर इज अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सिक्स फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पहले अच्छे से, फिर एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे सिक्स फिजिकल डिविजन कौन से हैं। नॉर्थ में हमारा, जिसे अभी मैंने आपको पीछे जो एक्सरसाइज में बताया था, नॉर्थन माउंटेन्स है नॉर्थ में हमारी, सेकेंड माउंटेन्स के नीचे प्लेन्स गाए रहती है, क्योंकि सारी जो रिवर्स होती है, नदियाँ हैं, वो पहाड़ों से निकलती हैं, माउंटेन्स से निकलती है, फिर जब नीचे आके गिरती है किस एरिया में,
प्लेन्स के एरिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया होते हैं ये उपजाऊ, क्योंकि जो सारी जो नदियाँ हैं जो रिवर्स है वो पानी बहा कर कहाँ लाती हैं, प्लेन्स मैदानों में, ठीक है, सबसे अच्छी जो एग्रीकल्चर के लिए प्लेन एरिया है। नेक्स्ट आर द वेस्टर्न डेजर्ट, ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न डेजर्ट का पार्ट हो गया, इसमें कुछ पार्ट गुजरात का भी आता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ फ्रॉम राजस्थान, सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें किसका आता है, राजस्थान का आता है और कुछ थोड़ा पंजाब हरियाणा का भी आता है, ठीक है, ये हमारा डेजर्ट हो गया। द साउथर्न प्लेटूज, इसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है हमारा, लुक एट हियर, यस, ये पूरा कौन सा पार्ट है, साउथर्न प्लेटूज का पार्ट है, पठार, प्लेटू मैंने आपको बताया था, प्लेटू क्या होता है, ठीक है, एक तो होती है माउंटेन, माउंटेन तो इस तरह से होती है ऊंची, बहुत ज़्यादा हाई, और प्लेटूज क्या होते हैं, इस तरह थोड़ा ऊपर जाते हैं लेकिन ऊपर से जाके ये फ्लैट हो जाता है फिर इस तरह ऐसे, तो ये होते हैं प्लेटूज और ये होते हैं हमारे माउंटेन्स, ओके। तो ए रेस्ड पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू, तो एक ऐसा रेस्ड पोर्शन जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है और फ्लैट ऑन द टॉप, जो ऊपर जाके क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लेट्यू, द साउथर्न प्लेट्यूज। सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो इसी पार्ट में पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में भी जो सबसे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग स्पीशीज के वैराइटीज़ के, तो वो सारे यहीं मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज़ के एरिया में होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट इज़ द कोस्टल प्लेन्स, अब ये कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं, देखो ये तीनों तरफ क्या हो गया, सी हो गया पानी, तो इसके समुद्र के किनारे का जो भाग है, ये वाला जो किनारे समुद्र के किनारे से लगता है, तो इस वाले सारे पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोस्टल प्लेन कहेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया, कोस्टल प्लेन्स का भाग हो गया, जिसमें इसमें हमारे कर्नाटका आ जाता है, तमिलनाडु आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया इधर से, ठीक है, इसके महाराष्ट्र आ गया, गुजरात का आ जाता है कुछ भाग, गोवा है। नेक्स्ट है द आइलैंड्स, अब है आइलैंड्स, आइलैंड मैंने आपको बताए हैं पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ज़मीन का टुकड़ा जिसे हम आइलैंड कहते हैं, तो हमारे इंडिया के दो आइलैंड्स हैं यहाँ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है ये ऐसे, तो लक्षद्वीप है एक तो, और एक क्या है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हमारे आप मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया का सबसे जो साउथर्न मोस्ट टिप जो है इंडिया का लास्ट, वो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में, हालांकि अभी नहीं है ये समुद्र में लुप्त हो चुका है, और ज़मीन का जो लास्ट पार्ट हम माना जाता है वो हमारा क्या है, कन्याकुमारी है केरला में, ओके। ये हो गए हमारे फिजिकल डिविजन्स, नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, साउथर्न प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। Name the countries that share their boundaries with India. कौन कौन सी ऐसी countries हैं जो अपनी boundary share करती है किसके साथ में, India के साथ में, okay? तो कौन कौन सी countries है ये भी आपको मैंने पहले explain किया हुआ है, कौन कौन सी countries है एक बार वापस आप थोड़ा सा mind में लेके आइए अपने, पड़ोसी देश, कंट्री शेयर मतलब बाउंड्री शेयर करना मतलब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान हो गए यहाँ पे, फिर अफगानिस्तान आ गया, फिर यहाँ अपने चाइना आ गया, ये नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ भूटान आ जाता है, ठीक है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इस तरह से हमारी नेबर कंट्रीज़ कौन सी हो गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, दीज आर द नेबर कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्री विद इंडिया। विच स्टेट्स आर नोन एज सेवन सिस्टर्स, कौन से स्टेट्स है जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जानी जाती है, तो ये देखिए जैसे सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे, ये वाली जो स्टेट्स हैं यहाँ पास में बिल्कुल बिल्कुल क्लोज कुछ सेवन स्टेट्स हैं, तो उन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, एक दूसरे से मिली हुई बिल्कुल ऐसे लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है,
ठीक है। तो ये सारी, इनको क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट की ये सेवन सिस्टर्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेवन सिस्टर्स। ओके बच्चों, देखो हमने थ्री एक्सरसाइज कर ली है आज, ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। तो ये सब आपको, ऑल दीज एक्सरसाइज यू हैव टू डन इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में डन करनी है और आपको लर्न भी करनी है। इससे नेक्स्ट पार्ट, हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।